हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा टीम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आखिर में होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन टैग का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते ही रहते हैं। जैसे कि आप इसे देख लीजिए, जैसे हम किसी से कहते हैं कि तुम चाय पियोगे नहीं पियोगे, या फिर ऐसा भी तो कहते हैं तुम चाय नहीं पियोगे पियोगे। तो जो मैंने लास्ट में कहा नहीं पियोगे या पियोगे, तो वही होता है क्वेश्चन टैग। और हम अब क्वेश्चन टैग का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते ही रहते हैं। कभी कभी हम इस तरह से भी कह देते हैं तुम चाय पियोगे ना, तुम चाय नहीं पियोगे हाँ। तो जो ना या हाँ मैंने बोला, वही होता है क्वेश्चन टैग, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यू विल टेक टी, तुम चाय पियोगे नहीं लो नहीं पियोगे, वॉन्ट यू। तो यही जो लास्ट का होता है ना, इसे ही कहते हैं क्वेश्चन टैग। और एक बात याद रखिए कि यदि कोई सेंटेंस नॉर्मली यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्वेश्चन टैग के लिए हमेशा कॉमा और क्वेश्चन मार्क, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और क्वेश्चन टैग में हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे विल नॉट यू भी बोल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम वॉन्ट यू यूज़ किए, जैसे कैन नॉट को कैंट, इज नॉट इजंट, ठीक है। और लास्ट में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। प्रोनाउन और नाउन क्या होता है आप जानते ही होंगे। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी कोई भी नाम नाउन है। नाउन की जगह पे यूज होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट वगैरह। और इसे देख लीजिए, जैसे कोई लड़का है सो रहा है तो हम कहते हैं ना कि जो लड़का है क्या वो जल्दी सुबह उठता है, या ऐसा बोल सकते हैं ना कि द बॉय गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डजंट ही। तो लड़का सुबह जल्दी उठता है ना, नहीं उठता है ऐसा। या फिर यदि हम नेगेटिव बोलते हैं द बॉय डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डज ही। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे कोई सेंटेंस लिखा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाया है वो नेगेटिव में आया है। यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमने लगाया है डज ही पॉजिटिव में, और हमने हमेशा यहाँ पे जो है कॉमा और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। और हमने फिर से डजंट द बॉय नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे जो द बॉय है ये एक नाउन है, तो नाउन की जगह पे हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया, यानी प्रोनाउन का यूज़ किया। यदि यहाँ पे द गर्ल होती यानी कोई लड़की होती तो हम यहाँ पे क्या लगाते, डजंट सी लगाते। तो इसे आप याद रखिए कि हम नाउन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे एक से ज़्यादा लोग होते, द बॉयज होते, तो यहाँ पे हम क्या लगाते, डोंट दे लगाते, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। एक लड़के के लिए यानी एक मेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, एक फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं, एक कोई चीज़ है निर्जीव चीज़ है उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि पॉजिटिव है कोई सेंटेंस यानी नॉर्मली तो नेगेटिव, यदि नेगेटिव है तब हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन टैग का यूज़ हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि है कोई क्वेश्चन आया है सीता प्लेज क्रिकेट, तो हम क्वेश्चन टैग यदि क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें इसको फिर से एक बार लिखना होता है सीता प्लेज क्रिकेट। तो इसे हम एज इट इज़ पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन का यदि आंसर आपको एग्जाम में देना है तो सीता प्लेज क्रिकेट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव में है तो हम यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। और ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लेज है, सीता है, एक गर्ल है, और यहाँ पे प्लेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज का यूज़ होगा। और यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो डज नॉट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, डजंट। उसके बाद सीता एक लड़की है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन का यूज़ किया, कॉमा का यूज़ किया, क्वेश्चन टैग का यूज़ किया, एंड ये पॉजिटिव है इसलिए हमने नेगेटिव का यूज़ किया। तो इस तरह से सीता प्लेज क्रिकेट
doesn't see. तो ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखने हैं. वैसे ही नेक्स्ट है यू मिस्ड मी. ये पास्ट टेंस का है तो मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता हो गया कि कैसे लिखना है. आपको इस फॉर्मेट में लिखना है यू मिस्ड मी. तो यहाँ पे हो जाएगा डिडंट यू. ऐसा यू मिस्ड मी पॉजिटिव है नेगेटिव. ये पास्ट टेंस का है पास्ट इंडेफिनिट का इसलिए हमने डिड का यूज किया और ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डिडंट यू. तो यू क्या है यू एक स्वयं में प्रोनाउन है नाउन नहीं है प्रोनाउन है इसलिए हमने यू का यू लिखा. यदि कोई नाउन होता तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन लिखना ही होता. तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन उसी को लिख दो ठीक है. वैसे ही सी इज नॉट इंटेलिजेंट. सी इज नॉट इंटेलिजेंट ये प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पे क्या होगा ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा. तो यहाँ पे ये नेगेटिव है इज नॉट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज बस होगा. उसके बाद सी अपने आप में प्रोनाउन है तो यहाँ पे आ जाएगा इज सी और यहाँ पे क्वेश्चन टैग. सी इज नॉट इंटेलिजेंट इज सी वह इंटेलिजेंट नहीं है क्या वह है ऐसा. वैसे यहाँ पे यू मिस्ड मी तुमने मुझे मिस किया क्या तुमने मुझे मिस किया क्या तुमने नहीं किया ऐसा. तुमने मुझे मिस किया ना ऐसा इस सेंस में भी आप बोल सकते हैं तुमने मुझे मिस किया ना ऐसा. और देख लेते हैं Our teacher taught us हिंदी. हमारे जो टीचर है हमारे जो शिक्षक है वो हमें हिंदी पढ़ाते थे. Our teacher taught us हिंदी हमारे टीचर हमें हिंदी पढ़ाते थे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा didn't he क्योंकि एक टीचर की बात हो रही है और ये पास्ट टेंस की बात है ये पास्ट टेंस की बात है. तो our teacher taught us हिंदी Didn't he? यहाँ पे देखिए our teachers taught us हिंदी यहाँ पे एक से ज्यादा टीचर्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा didn't they यानी एक से ज्यादा है एक से ज्यादा टीचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा didn't they. एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो टीचर है our teacher ये मेल है या फीमेल है ये भी पता नहीं है तो यहाँ पे हम ही और सी दोनों का यूज कर सकते हैं. यदि टीचर फीमेल है तो यहाँ पे ही की जगह पे हम क्या लिखते यहाँ पे हम लिखते सी क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम ही या सी दोनों यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे टीचर्स है अब टीचर्स है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे दोनों हो तो एक से ज्यादा लोग है इट मीन्स यहाँ पे हम दे का यूज करेंगे. नेहा कैन कम टूडे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा Can't, can not, can't या can't उसके बाद नेहा नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा can't see और ये क्वेश्चन मार्क क्योंकि नेहा फिर से हम नहीं लिखेंगे हम प्रोनाउन लिखेंगे. रवि should go to the work यहाँ पे क्या आ जाएगा should not तो ये क्या होगा shouldn't और यहाँ पे आ जाएगा he क्योंकि रवि एक लड़का है तो रवि should go to the work Shouldn't he? तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. अब हम देखेंगे अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन टैग का यूज हम कैसे करते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग का अलग अलग कंडीशन में कैसे यूज होता है और इसका एक्सेप्शन क्या है अपवाद क्या है. तो एक अपवाद होता है उसे हम देख लेते हैं. आई लर्न इंग्लिश तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश डोंट आई. Are we learn English? यहाँ पे जैसे देखिए ये प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे डोंट आ गया आई के साथ डू का यूज होता है. Are we learn English? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो यहाँ पे क्या होगा विल और नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वॉन्ट. आई विल नॉट को हम वॉन्ट कहते हैं. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वॉज ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हो रहा है ना हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश यहां पे क्या होगा वॉजंट आई. आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्या मैं नहीं सीख रहा हूं तो यहां पे एक अपवाद है. और यहां पे देखिए जितने भी हमने यूज किया जैसे यहां प्रेजेंट की बात है तो हमने डू डस का यूज किया डू का यूज किया फ्यूचर की बात हुई तो हमने विल का यूज किया और
पास्ट कंटिन्यूअस की बात हुई तो हमने वॉज का यूज किया, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके लिए हम क्वेश्चन टैग जब यूज करते हैं तब हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो यही है हमारा एक्सेप्शन, मीन्स अपवाद। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एमंट आई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे होता है आरंट आई। क्या होता है? आरंट आई। तो ये है अपवाद और इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको याद रखनी है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपवाद है, कि जितने भी हमने देखे हुए हैं उनमें क्या होता था कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन टैग लगाते थे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे हम एम का यूज़ नहीं किया है, हमने किसका यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है। तो यही है एक अपवाद, इसको आप याद रखिए। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे आर आई नहीं होगा, यहाँ पे जो अपवाद है वो हट जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एम आई। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। तो जो अपवाद है वो सिर्फ इसी में है, यानी आरंट आई में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एम आई हो जाएगा, आर आई नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस है उसके साथ क्वेश्चन टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट अस या लेट्स, इससे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके साथ हम शैल वी क्वेश्चन टैग लगाते हैं, और जो अदर अन्य चीज़ें हैं, कोई नाम है, ही सी इट वगैरह है, दे है, तो उसके साथ हम विल यू यूज़ करते हैं। यानी लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए ये रूल आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो ये जो लेट्स प्ले है ये लेट अस या लेट्स है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ हम शैल वी का यूज करेंगे, ऐसा शैल वी, और ये क्वेश्चन टैग। लेट द स्टूडेंट्स प्ले, यहां पे देखिए ये अदर है, अदर है ना, तो अदर है तो हम किसका यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे, शैल वी का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे विल यू, इस तरह से। वैसे ही लेट अस गो, यहां पे फिर लेट अस आ गया, लेट अस, तो हम किसका यूज करेंगे, शैल वी का, तो यहां पे हो जाएगा शैल वी, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। लेट देम सिंग अ सॉन्ग, यहां पे देखिए देम आया, अदर आ गया, तो हम इस यहां पे किसका यूज करेंगे, यहां पे हम विल यू का यूज करेंगे। किसी व्यक्ति का नाम आ गया, कोई वस्तु का नाम आ गया, कोई भी चीजें आ गई, तो यहां पे जैसे आप इसे हमेशा याद रखिए, लेट अस या लेट्स है तो किसका यूज करेंगे, शैल यू का यूज करेंगे, और अन्य जो भी चीजें हैं उसके साथ हम विल यू का यूज करेंगे। तो यहां पे अदर चीज है, तो यहां पे किसका यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे विल यू का। सो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। और देखते हैं अलग कंडीशन, फॉर शोइंग अर्जेंसी, अर्जेंसी दिखाने के लिए वॉन्ट यू का हम यूज करते हैं, यानी एकदम जरूरत है, जरूरी है, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हम जो है वॉन्ट यू का यूज करते हैं। जैसे कि बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड वॉन्ट यू, देखिए हमने वॉन्ट यू का यूज किया है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस यानी जो रोड है, रोड को क्रॉस करते समय हमेशा केयरफुल रहो, बी केयरफुल, तो यहाँ पे जोर दिया गया है, जरूरत को दिखाया गया है कि ये चीज जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा वॉन्ट यू का यूज करेंगे। इसी तरह से और सेंटेंस है, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वॉन्ट यू, हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करो, करोगे ना, ऐसे सेंस में, तो वॉन्ट यू, वॉन्ट यू का यूज करना है। वैसे बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड वॉन्ट यू, और जो भी रोड है, रोड को क्रॉस करते समय, ये जो है लगभग सेम ही हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जरूरत को दिखाना हो तो हम जो है वॉन्ट यू का यूज करते हैं, जो जरूरी है, काफी जरूरी है, उसको फॉलो करना ही है। और नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, फॉर शोइंग स्कॉल्डिंग, जब किसी को हमें डांट फटकार दिखाना हो, डांटना हो, फटकारना हो, तो ऐसे सेंस में भी हम जो है किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हम ऐसे सेंस में कांट यू या कैंट यू का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, शट अप, कांट यू, शट अप, चुप रहो, कांट यू, चुप नहीं रह सकते क्या, ऐसा, तो इस सेंस में शट अप, कांट यू। वैसे ही माइंड योर लैंग्वेज, कांट यू, ऐसा, तो यहाँ पे हम कांट यू या कैंट यू का यूज करते हैं। अप्लाई योर ऑन माइंड, कांट यू, तो इस तरह से जब हम किसी पर भड़कते हैं, गुस्सा दिखाते हैं,
अपना दिमाग नहीं लगा सकते क्या? हाँ ऐसा, तो ये जो हाँ या ना जो भी हम बोलते हैं ना, ये सब यही तो है क्वेश्चन टैग, और कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम भी कांट यू या कैंट यू का यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में हम जो है क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में विल यू या वॉन्ट यू का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लगाते हैं क्वेश्चन टैग। यानी जो कोई इम्परेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो है क्वेश्चन टैग लगाते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा विल यू और नेगेटिव में वॉन्ट यू। लेकिन जो नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए गिव मी टाइम, मुझे समय दो। दोगे ना? मुझे समय दो, नहीं दोगे? देखिए मैंने दो चीज़ें कहा, मुझे समय दो, दोगे ना? मुझे समय दो, नहीं दोगे? ये देखिए, तो ये तो दोनों है ना, ये क्वेश्चन टैग है। तो जब पॉजिटिव में है तब हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हैं, दोनों क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। तो विल यू ये वाला पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, या वॉन्ट यू नेगेटिव क्वेश्चन टैग, दोगे ना नहीं दोगे? ये वैसे ही डोंट गिव मी टाइम, मुझे समय मत दो। दोगे तो सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ पॉजिटिव लगाना है। यहाँ पे देखिए यदि नेगेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, विल यू या फिर वॉन्ट यू, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन टैग का यूज अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो कैसे और किस तरह से होते हैं, ताकि यही तो चीज़ें हैं ये काम आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। यदि हम फुल फॉर्म का यूज़ करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए डू नॉट है तो डू नॉट नहीं लिखेंगे, डोंट लिखेंगे, डिड नॉट डिडंट, डज नॉट डजंट, इज नॉट इजंट, एम नॉट एमंट, आर नॉट आरंट, वॉज नॉट वॉजंट, were not weren't, वैसे ही और है have not haven't, has not hasn't, had not hadn't, और भी है जैसे will not won't, shall not sent, may not mayn't, cannot can't या can't, could not couldn't, would not wouldn't, वैसे ही should not shouldn't, might not mightn't, must not mustn't, dare not daren't, need not needn't, used not usedn't, ought not oughtn't। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म को हमें याद रखने हैं ताकि हम क्वेश्चन टैग में इनका यूज कर सके। आई होप कि आप क्वेश्चन टैग को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसमें हम देखेंगे कि हमने कितना सीखा हुआ है। तो देख लेते हैं ही स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ पे क्या आएगा ही स्पीक्स द ट्रूथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा doesn't और he, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कॉमा, doesn't he never used to drink wine, never, ये अपने आप में क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, और यूज्ड लिखा यानी पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा did और ये ही, इस तरह से। नेक्स्ट है देयर इज नो डाउट, नेगेटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा इज और यहां पे देयर, इस तरह से क्वेश्चन मार्क, इज देयर, क्योंकि ये नो लिखा है यानी नेगेटिव है, तो यहां पे हम पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टाइप देंगे। यू आर कमिंग टुमारो, तो यहां पे क्या आएगा aren't you, इस तरह से। नेक्स्ट है only a few students got opportunities, only a few students got opportunities, past indefinite, तो यहां पे क्या आएगा did और यहां पे हो जाएगा didn't and यहां पे आ जाएगा they, students की बात हो रही है तो didn't they। नेक्स्ट है राहुल मेड टॉयज, तो यहां पे क्या आएगा
didn't he? Rahul. Rahul made toys, didn't he? वैसे ही the girls don't play football. Negative sentence है. The girls don't play football. तो यहाँ पे क्या आएगा? Do they? Positive question tag. Do they? क्योंकि girls है, एक से ज्यादा girls है, तो यहाँ पे they. Shut the window. ये imperative sentence है. तो इसका क्या होगा? इसका दोनों बनेगा, पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग है वो भी और नेगेटिव क्वेश्चन टैग, दोनों क्वेश्चन टैग लगेंगे. तो शट द विंडो, तो यहां पे क्या आएगा? वेल यू, या फिर ये भी सही है, या फिर हम लिख सकते हैं वॉन्ट यू और क्वेश्चन मार्क. तो शट द विंडो, विल यू या फिर वॉन्ट यू. यू कैन रन नाउ, तो यहां पे क्या आएगा? कैंट यू, तुम दौड़ सकते हो, क्या तुम नहीं दौड़ सकते? कैंट यू. इट इज ट्रू, यहां पे क्या आएगा? ये आपके लिए है और आई होप कि आप क्वेश्चन टैग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए हैं. यदि आप समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, इसका जो क्वेश्चन टैग है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने क्वेश्चन टैग को कितने अच्छे से समझा है. मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.